हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और काफ़ी डिमांडिंग भी है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए कमेंट्स भी किए थे। तो आज मैं आपके साथ एक इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ, जो कि अपने किसी सब्सक्राइबर ने ही यहाँ पर हमें रिकमेंड किया है। अगर मुझे वो कमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का नाम है tshopper.in। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग मे भी हो सकता है कि इसके बारे में जानते हों। ये एक इंडियन वेबसाइट है और शायद बेंगलुरु से ऑपरेट होती है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और ये प्रिंट ऑन डिमांड वाला ही काम करते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप जानते हो टी स्प्रिंग है, इट्से है ना, तो जैसे वो साइटें काम करती हैं वैसे ही ये वाली साइट भी काम करती है। और आप इससे भी ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड का काम करके, ठीक है। कैसे पूरा काम करना है और किस तरीके से आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो, वेबसाइट में क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि आखिर क्यों हम ढूंढ रहे थे इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड साइट। तो मैं आपको सिंपल सी क्वेरी देता हूँ, और भी बहुत सारे उसके अंदर ना डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। अगर आप इट्से पे जाके शॉपिंग करते हो, मान लो कि आपने किसी को इट्से का लिंक शेयर किया, तो अगर वो वहाँ पे जाएगा इंडियन यूजर, तो वहाँ के जो पेमेंट्स मेथड होंगे ना वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो वहाँ से यूजर वापस आ जाता है। इंडियन यूजर की बात करते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि ये वाला प्रोडक्ट किसी को शेयर करते हो, मान लो कि ये वाला प्रोडक्ट आप किसी को शेयर करते, तो इसमें क्या रहता है कि इसके अंदर जो पेमेंट मेथड होंगे, हो सकता है आपको यहाँ पर पेटीएम इसमें होगा डेफिनेटली, आप देख लीजिएगा, क्योंकि पे आउट मिलता है आपको पेटीएम के थ्रू इसमें। तो यहाँ पर बाई करना इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन यूजर के लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ से ज़्यादा कन्वर्जन मिलता है। आफ्टरऑल इसके अंदर जो भी सिस्टम होगा वो इंडियन होगा, तो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा डिफरेंस आपको बता दिया। बहुत सारे और भी डिफरेंस हो सकते हैं इट्से वगैरह में, जो हम इसलिए नहीं करते हैं और इसलिए हम लोग इंडियन साइट ढूंढ रहे थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ tshopper के बारे में, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम है tshopper.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रैफिक इसका दिखा देता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी साइट नहीं है, लेकिन ये छोटी साइट भी नहीं है। अभी ये ग्रो हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 लाख 3 लाख के आसपास का इसका मंथली ट्रैफिक है। और ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो अपनी एशियन कंट्रीज का ही है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो इंडिया का है, जो कि आप देख सकते हो लगभग 90% ट्रैफिक इंडिया का है। और सर्च से ट्रैफिक आ रहा है आधा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और इस प्रकार का इंटरफेस है, चलिए इंटरफेस को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे 100% फ्री है, आपको कोई पैसा यहाँ पे नहीं देना है, कोई थर्ड पार्टी आपको डिज़ाइनिंग इसके अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और इजीली आप लोग सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, और फास्ट पे आउट है। पे आउट काफ़ी वाकई फास्ट है, क्योंकि 500 रुपये भी अगर आपने यहाँ से अर्न कर लिए तो आप उसको भी थ्रेशोल्ड विड्रॉल कर सकते हो। तो अगर आपने 500 रुपये भी कमाए ना, तो उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हो और डायरेक्टली आप अपने बैंक में ले सकते हो, पेटीएम के थ्रू आप जो है निकाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन इन लोगों ने दिए हुए हैं, आफ्टरऑल ये इंडियन साइट है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेप नंबर 1 कि आप अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करिए, स्टेप नंबर 2 में आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए, कहाँ पे FB, YouTube, अदर सोशल मीडिया कहीं पर भी आप प्रमोट कर सकते हो, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, ये खुद आपके प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे, पैकेज करेंगे और आपके जो बायर्स होंगे, आपकी जो ऑडियंस है उसको डिलीवर भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। आपको पता होगा कि इट्से वगैरह में ये चीज़ें अलग अलग रहती हैं, ठीक है। एंड रिसीव प्रॉफिट डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पर ऑडियंस है, उन लोगों ने कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो डिज़ाइन किए हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइट का नाम है tshopper.in, तो इसमें केवल आपको टी शर्ट डिज़ाइन करने को मिलेंगी, आप टी शर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। और टी शर्ट भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ओके, अगर आप अच्छे से यूज करोगे ना, ओकेजन्स यू नो लाइक इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो उस समय की अगर आप ट्रेंडिंग टी शर्ट्स को डिज़ाइन करते हो, पर्टिकुलर ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते हो, तो लोग बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर आपके मन में डाउट है कि क्या इससे अर्निंग होती है या नहीं होती है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनिए। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे, जैसे मैं इस पे काम नहीं कर रहा, अभी आप भी इस पे काम नहीं कर रहे, तो क्या इस वेबसाइट पे काम नहीं हो रहा है? क्या इस वेबसाइट से टी शर्ट सेल नहीं हो रही हैं? हो रही है ना। अगर आपने क्लिक बैंक पर सेल जनरेट नहीं की है आज तक, तो क्या ऐसा हो रहा है कि क्लिक बैंक पर सेल ही नहीं हो रही है? लोग क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं ना, दुनिया भर में बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट डेली बाई होते हैं ना, तो काम तो हो रहा है।
ऐसे ही होता रहेगा काम, ठीक है। तो ये आप करोगे तो आपको अर्निंग होगी, हमें इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, ये देखो, हालांकि इनके अंदर ये देखो ये बहुत अच्छे डिज़ाइन नहीं है, हालांकि इनके अंदर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए था। और जो लेटेस्ट आपके स्टोर होंगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे इनकी वेबसाइट के होम पेज पर। अभी मैं आपके सामने स्टोर क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो वो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके होम पेज पर ही आपका स्टोर दिखेगा शुरू में जब आप क्रिएट करते हो, ताकि नए जो क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोशन मिले, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी सोच है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आप साइट पर जैसे ही आप आओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर भी आप देख सकते हैं स्टार्ट डिज़ाइनिंग पर आपको क्लिक करना है। पूरा ट्यूटोरियल रहने वाला है, वीडियो लंबी हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन पैसा कमाने की अपन बात कर रहे हैं, कोई अपन डमी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, सीखना है आपने तो ध्यान से देख लीजिए, ओके। तो चलिए सबसे पहले जैसे आप क्लिक करते हो ना, देखो अकाउंट वगैरह हमने कुछ भी नहीं बनाया है, अभी हमने यहाँ पर कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाया है, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्टली आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको नोट आउट कर लेनी है। सबसे पहले आपको डिज़ाइन ही तैयार करना है, ठीक है। यहीं से आपका अकाउंट भी बनेगा, आपका स्टोर भी बनेगा, और आपका एक प्रोडक्ट भी यहाँ से रेडी हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। तो अभी हम टी शर्ट डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ कैनवा का, ठीक है। तो चलिए सिंपली आप लोग आओगे, कैनवा का फ्री अकाउंट आप यूज कर सकते हो canva.com पर। कैनवा पे आने के बाद बाकी आप देखो किसी से भी डिज़ाइन करो, वो आपकी मर्जी है। आफ्टर ऑल हमें एक अच्छी सी इमेज तैयार करनी होती है जो हम टी शर्ट पर प्रिंट करवा पाएं, और वो थोड़ी सोच समझ के आपको डिसाइड करनी होती है कि किस तरीके का डिज़ाइन जो है आप सेल कर सकते हैं, आपके सामने कैसी ऑडियंस है, आपके पास कैसी ऑडियंस है जो उस डिज़ाइन को पसंद कर सकती है। हो सकता है कि आपके पास ऐसा फेसबुक पेज है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 1,00,000 मेंबर हैं, और वो सब आपका जो पेज कंटेंट है वो डॉग्स के रिलेटेड है, पेट्स के रिलेटेड है, तो आप वैसे ही टी शर्ट डिज़ाइन करोगे यहाँ से, ठीक है। वो मैं जब प्रमोशन की कभी बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तब अपन बात कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल हम इसको समझते हैं कि इस पर कैसे आपको काम करना है। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। बाकी आप कैसा भी साइज ले लेना, लेकिन देखो ये 1000x1000 होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का सिक्योर साइज है इसका, तो इस प्रकार का डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान रहेगा। इसी वीडियो में आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना भी पता चल जाएगा, और स्टोर कैसे बनेगा वो भी पता चल जाएगा। पूरी डिटेल कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो लंबी जरूर होगी, ठीक है। मैं भी इसको आराम से बनाना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और वैसे भी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो यहाँ पर हमें करना है डिज़ाइन एक, तो आप जो भी देखना चाहते हो वो आप यहाँ पर आओगे एलिमेंट्स में, ठीक है। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर जिस भी कीवर्ड की आपको कोई इमेज चाहिए, कोई आपको ग्राफिक चाहिए, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। चलिए गाइस यहाँ पर क्योंकि अपन पहला डिज़ाइन बना रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार का डिज़ाइन ले रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल है, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से ये बना रहा हूँ मैं, कोई रिसर्च हमने नहीं किया है कि ये डिज़ाइन चलेगा या नहीं चलेगा। अब एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसका सबसे पहले अगर कलर अपन ब्लैक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बैकग्राउंड का कि इसके पीछे लेआउट कैसा है। तो ये देखोगे आप तो ये वाइट इसकी आउटलाइन है, ये देखो, ठीक है। अब ऊपर आप सिंपली यहाँ पे नाम दोगे, ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन जैसे आपका कंप्लीट हो जाए बस डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ध्यान दीजिएगा वहाँ पर लोगों ने बहुत सारी गलती की है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप यहीं से बिना बैकग्राउंड वाला इमेज डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है ना, तो आप सिंपल नॉर्मल इमेज को डाउनलोड कर लो यहाँ से। उसके बाद आप जो remove.bg वेबसाइट है उस पर जा करके बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लेना, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ आपको इमेज नहीं लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसी इमेज ये स्टिकर की फॉर्म में है, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड। तो फिलहाल मेरे पास कैनवा प्रो है तो इसलिए हमारे पास ये बिना बैकग्राउंड के इमेज जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब वापस चलते हैं डिज़ाइनिंग वाली जगह पर, और यहाँ पर आपके पास आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हो कुछ भी। अगर आपको कोई इमेज अपलोड नहीं करनी है तो आप नॉर्मली कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, कोट्स वगैरह अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप वैसे ही लिख सकते हो, उसके लिए कोई इमेज आपको यहाँ पर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग इमेज देना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा और उस फाइल को चूज़ करेंगे, ओके। ये देखो वो इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है, एंड थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पर आप क्लिक करोगे और इसके साइज को थोड़ा सा आप यहाँ से बड़ा कर दोगे, ओके, परफेक्ट इस प्रकार से दिखेगी। और अगर आप रखना चाहते हो कोई कलर इसका टी शर्ट का तो वो आप रख सकते हो। ये देखो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी टी शर्ट ये दिख रही है। हमें इसका कोई बैक डिज़ाइन नहीं करना है, और अगर आप देना चाहते हो बैक में तो आप बैक में भी सेम इमेज को अपलोड कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ फ्रंट में ही डिज़ाइन रखना है। ये परफेक्ट है, अच्छा दिख रहा है। इतना सा काम करना आपको, देन आपको नीचे आना है, और ये देखो सिर्फ हमने डिज़ाइन अपलोड किया है, कलर सेलेक्ट किया है, और यहाँ से आप टी शर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो
यहाँ पर काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन, जैसे कि ये इतने ही आपको प्रोडक्ट इसमें मिलेंगे, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी शर्ट अलग अलग प्रकार की हैं और पिलो है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये लोअर टाइप का एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो अपने पास जो है वो डिफ़ॉल्ट ठीक है, जैसे कि ये है तो इसी पे रखूँगा मैं। एंड देन सिंपली कलर फिर से चूज़ करेंगे, ये वाली टी शर्ट रखेंगे, इसमें वो कलर नहीं है, तो लेट्स अपन इसको ब्लू करके देखते हैं, ब्लू में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने सबसे पहले यहाँ से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, लाइक कौन सी टी शर्ट पर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, उसके बाद आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करोगे, डिज़ाइन आपने अपलोड कर देना है, और फ्रंट और बैक में आप डिज़ाइन देना चाहते हो वो आप चूज़ करोगे यहाँ से। उसके बाद सिंपली सेल दिस, ये जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देना है टाइटल, यहाँ पे देना है आपने डिस्क्रिप्शन, ये आपको खुद लिखना होगा। सबसे पहले तो ये वी नेक टी शर्ट है, ठीक है। तो इस पर अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे लव, जो कि टी शर्ट का नाम है या डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे वी नेक, एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हो टी शर्ट, ताकि ये थोड़ा सा एसईओ फ्रेंडली हो जाए टी शर्ट, इस प्रकार से। अब आपको लेना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर मैंने पहले से एक ना डिज़ाइन तैयार किया था, फिलहाल मैं उसका ही डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन अपना बनाना होएगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अपने डिज़ाइन के बारे में ही थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ 400 करेक्टर ही लेटर्स ही यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ओके, ये देखो पेस्ट कर दिया। हालांकि ये सही नहीं है, किसी और टी शर्ट का है ये, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। और अगर आपको ये भी नहीं लिखना आता ना, तो जो आप यहाँ पर टाइटल दोगे ये आप चैट जीपीटी को दे सकते हो कि इसके लिए छोटा सा 400 करेक्टर्स के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे। उसके बाद यहाँ से कलर आपने चूज़ करना है, ओके, कलर यहाँ पर आ चुका है। देन आपका ये यहाँ पर URL रहेगा। अब आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट ऐड करना है, यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ, योर प्रॉफिट एस्टिमेट 0। तो हमें अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। मार्कअप प्राइस, बेस प्राइस 465 रुपये तो है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 550 रुपये करता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है इसमें वो 85 रुपये है, और टी शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 578 तक पहुँच चुका है। तो हम यहाँ पर लगभग 10 रुपीज़ और ऐड कर सकते हैं। 570 मैंने किया यहाँ पर, हमारा प्रॉफिट लगभग 100 रुपये है, 105 रुपये इसमें पर सेल, और 599 की ये टी शर्ट हो चुकी है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन स्टिल तो ये जो प्राइस है एवरेज है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बताया हुआ प्लीज़ राइट टैग्स, तो टैग्स हमने नहीं दिए यहाँ पे, देखो। अब आपको यहाँ पर टैग्स कैसे देने हैं, आप लिखोगे जैसे कि टी शर्ट, एंटर दबाना आपने, ठीक है। फिर आप लिखोगे जो भी आपके टी शर्ट का नाम है, जैसे लव यहाँ पे लिखेंगे, ओके, एंड देन वी नेक टी शर्ट, ओके, टैग, इस प्रकार से आपको टैग देने, अप टू 5 टैग आप लगा सकते हो। देन क्लिक ऑन सेव, लगभग सारी चीज़ें हमने पूरी कर दी हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो हमने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ लॉग इन टू सेव योर वर्क, सिंपली आपने ओके पे क्लिक करना है, ये पेज रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पर आपको ये अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अकाउंट बना सकते हो। तो सिंपली आपने साइन अप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, नाम देने के बाद आपको अपना ईमेल देना है, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है अपना यहाँ पर, और सिंपली इसको आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा, और अकाउंट आपका बन चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट है, ऑर्डर्स है, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये देखो अभी हम प्रोडक्ट्स में, तो नीचे आप आओगे तो जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप इसको ओपन करके देख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ओपन न्यू टैब में क्लिक करेंगे। एक चीज का ध्यान रखो, अभी हमने स्टोर नहीं बनाया है, ठीक है, स्टोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो कितना अच्छा डिजाइन बना है, ठीक है। अब सिर्फ आपको थिंकिंग ये रखनी है कि आप अपना डिजाइन किस तरीके का क्रिएट करोगे ताकि लोगों को अच्छा लगे और आपकी ऑडियंस इसको बाय कर सके, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पास खुद की अपनी ऑडियंस है तो बहुत ही अच्छा है, ओके। ये देखो यहां से कोई इसको ऐड टू कार्ट कर सकता है। एंड देन उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे वो आपको नीचे यहाँ पर शो होंगे, ठीक है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। देन स्टोर फ्रंट, स्टोर फ्रंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना स्टोर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी के ऑप्शन अपने बाद में जानेंगे, जैसे कि कूपन है, मार्केटिंग है, पे आउट है, ये सब अच्छे ऑप्शन है, इसके भी बारे में जानेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले हमें बनाना है स्टोर। तो स्टोर फ्रंट पे आने के बाद आपको गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है TB Store, और नीचे आपका URL है स्टोर का, और सिंपली क्रिएट स्टोर पे आपको क्लिक कर देना है। आपके स्टोर का नाम आपको यहीं पे देना है, और ये इस प्रकार से आपके सामने आएगा। अभी स्टोर रेडी नहीं हुआ है, सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना एक लोगो देना है और एक बैनर देना है। लोगो और बैनर कैसे बनाओगे आप, इसके लिए आपको फिर से आ जाना है canva.com पर, यहीं पर आपको फॉर यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लोगो का ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं 500x500, इस पे आपने क्लिक कर देना है। नाउ आपके सामने इस प्रकार से पूरे लोगो के टेम्पलेट आ जाएंगे, तो जो भी आपको लोगो बनाना है वो आप बना सकते हैं। ओके, चलिए मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टी,
और यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पर भी आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर टेक्निकल बेरवाल लिख दिया है। तो ये हमारा लोगो तैयार हो चुका है। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे टी बी लोगो और इसको हम यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। इसका बैकग्राउंड आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, और आपको वापस होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको चले जाना है सोशल मीडिया, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, सोशल मीडिया वाली जगह पे आपको चले जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फेसबुक कवर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक कवर, इस पे आपने क्लिक करना है और इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको बैनर बनाना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप बैनर जैसा बनाना चाहो वैसा यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, एक सिंपल सा टेम्पलेट यहाँ से लेंगे। मैंने फैशन सर्च किया है ऊपर, तो काफ़ी तरीके के यहाँ पर टेम्पलेट हमारे सामने आए हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। लोगो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन हम दोनों एक साथ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम अपन लिखेंगे टी वी स्टोर, यहाँ पे अगर आप कुछ देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस जगह से। ये देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर टी वी स्टोर लिखा हुआ है, इसको इफेक्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, परफेक्ट। और सिंपली इसको भी यहाँ से बैनर नाम दे देंगे और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो लोगो और बैनर बनाना बहुत आसान है कैनवा में। जस्ट 2 मिनट्स में हमने लोगो भी बना दिया है और बैनर भी बना दिया है। अब सिंपली हम वापस चलते हैं और यहाँ से अपने लोगो को चूज़ करेंगे, ओके, और यहाँ से हम अपने बैनर को चूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम रखना है, नाम रख सकते हो, कुछ और लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको अपने स्टोर के बारे में कुछ टैगलाइन दे देनी है, फाइंड योर चॉइस हेयर, मैंने सिंपली कुछ भी यहाँ पे डेटा लिख दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, आपको अपने स्टोर के बारे में छोटी सी टैगलाइन देनी है जो कि दिखती है बाद में, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे शो होती है। तो छोटी सी रखिएगा टैगलाइन यहाँ पर, आप लंबा चौड़ा लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता। अच्छी सी छोटी सी लाइन लिखिएगा अपने स्टोर के बारे में, टैगलाइन देनी है आपको, छोटी सी टैगलाइन, ठीक है। और यहाँ पे चूज प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है, जो एक प्रोडक्ट हमने बनाया है उसी को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, और सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका स्टोर लगभग रेडी हो चुका है, जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पर वेट करना है। एंड बूम गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टोर रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी फीचर्ड प्रोडक्ट में हमने एक ही प्रोडक्ट को तैयार किया है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, और ये कुछ सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखो, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फाइंड योर चॉइस हेयर, तो यहाँ पर आपकी टैगलाइन जो है वो शो होती है। अब यहाँ पर ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, एक सिंपल सी नॉर्मल सी लाइन आप रखिएगा टैगलाइन के तौर पर, यहीं से आप अपने स्टोर को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टोर रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब सिंपली हम वापस चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, या आप यहाँ पर नॉर्मली आपका जो यूजर नेम है इसी पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका स्टोर बन चुका है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर डिज़ाइन कैसे होता है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, लोगो कैसे लगाना है, बैनर कैसे लगाना है, पूरा सेटअप हमने कर लिया है। तो यहाँ तक हमने जान लिया, स्टोर हमने रेडी कर लिया। अब भी अगर आप आओगे स्टोर फ्रंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, कोई भी अगर इसमें आपने करेक्शन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो बाद में भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है कूपन्स, तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को कूपन भी दे सकते हो, ठीक है। तो कूपन कैसे जनरेट करना है, मान लो कि यहाँ पर एक कूपन कोड आप देते हो, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे TB20 हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, और INR रखेंगे यहाँ पर जो है, कितने रुपए में आपने, कितने रुपए का डिस्काउंट आपने देना है या परसेंटेज में देना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रुपये में रखूँगा, तो यहाँ पर मैं रखूँगा 100, ओके। तो यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन तैयार कर रहे हैं अपन, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन, ये देखो ये तैयार हो चुका है, ऑन है। तो यहाँ पर जब भी कोई अपने प्रोडक्ट को बाई करेगा, वो TB20 को यूज करेगा, तो उसको 100 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पर कूपन भी दे सकते हो, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। और ये फ्री में कर पा रहे हो आप सब कुछ, ये बहुत ही प्रीमियम चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर फ्री में कर पा रहे हो, और ये कोई भी पेड वीडियो बिल्कुल नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था इसके बारे में कि सर इस वेबसाइट पर वीडियो बनाइए, मुझे भी वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी, मैं खुद ढूंढ रहा था ऐसी वेबसाइट, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल डिसेबल करूँगा, मुझे कोई कूपन नहीं चाहिए, आप बाद में रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है मार्केटिंग। तो आप मार्केटिंग के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन जो दिया है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हो, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे तो और भी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से आपको एक इमेज मिलेगी, इसको डाउनलोड करिए, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आप इसको शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि शार्प रखना चाहते हो तो इस प्रकार का डिज़ाइन मिल जाएगा, अब प्लेन में इस प्रकार का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, राउंड में इस प्रकार का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करो और शेयर करो, उसके लिए है ये, ठीक है। अगर ऐड वगैरह आप देना चाहते हो या फिर नॉर्मली सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी। उसके बाद आता है पे आउट, सबसे ज़्यादा जरूरी है। पे आउट में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू कैन रिक्वेस्ट पे आउट व्हेन योर पेमेंट थ्रेशोल्ड इज रीच्ड।
तो पेमेंट थ्रेशोल्ड जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो आप, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो टोटल अर्निंग्स विल बी रिफ्लेक्ट इन 7 डेज, 7 दिन में आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एंड शुड बी एट लीस्ट 500 टू बी रिक्वेस्टेड, कि 500 से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 500 होनी चाहिए अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते। इसका मतलब है कि 500 रुपये जब आप अर्निंग कर लोगे तो आप उसको यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी तो रिक्वेस्ट पे आउट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि अर्निंग जीरो है। उसके बाद यहाँ पर रेफर प्रोग्राम भी है एक, देन सपोर्ट है एंड देन सेटिंग है। सेटिंग पर अगर आप जाओगे तो आप अपना पेमेंट मेथड वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे आओगे तो आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, पिन कोड, ऑक्यूपेशन, स्टेट वगैरह डाल सकते हो यहाँ पर। एंड देन नीचे आना आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, वायर ट्रांसफ़र आप अपने बैंक में ले सकते हो या फिर पेटीएम में भी आप ले सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने पेटीएम को कनेक्ट करना है, पेटीएम नंबर आपको डालना है, तो आपका जो पेटीएम है वो लिंक हो जाएगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करोगे आपको अपना पैसा मिल जाएगा। दूसरा तरीका है वायर ट्रांसफ़र, इस पर अगर आप क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, आपको अपना बैंकिंग नेम यहाँ पर डालना है, उसके बाद बैंक नेम डालना है, आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड यहाँ पर डालना है और इसको सेव कर देना है। तो रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करोगे आपके बैंक में आपका अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसीजर इसका। अब अगर आपको और प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करने हैं तो कैसे करोगे, सिंपल है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्ट डिजाइनिंग पे फिर से क्लिक करना है, सेम इंटरफेस आपके सामने आएगा, सेम तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन करोगे और अपने स्टोर को बड़ा करते जाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस वेबसाइट पे आप काम कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि थोड़ी रिसर्च करनी है कि किस प्रकार के जो टी शर्ट है आपके पास, अच्छी ऑडियंस आपको फाइंड करनी है, एक ही नीच को फॉलो करने वाली वैसी टी शर्ट आप डिज़ाइन करिए, उनको रिकमेंड करिए, शेयर करिए, तो आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं होम पेज पर। तो वो चीज़ ये है कि इट से जो है ना, जैसे अमेजोन है या इट से है, तो लोग वहाँ पर जाते हैं नॉर्मली, यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट जो उनको मिलता है वो बाई कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि ऑर्गेनिकली भी आपको सेल्स आती हैं, बिना कुछ किए ऑटोमेटिक भी सेल्स वहाँ पर जनरेट होती हैं। लेकिन टी शॉपर पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर अर्निंग करनी है ना तो आपको अपना डिज़ाइन रेडी करना है, उसके बाद आप उसे शेयर करोगे। ये देखो एक चीज़ मैंने आपको कही थी ना कि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखो अभी भी हमने जो स्टोर बनाया वो यहाँ पर इनकी होम पेज पर शो हो रहा है। मैं आपके सामने इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को रिफ्रेश किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम हमारा स्टोर यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर तो जो लेटेस्ट लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं स्टोर अपने, वो यहाँ पर शो होते रहेंगे ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, नए लोगों को उनको थोड़ा प्रमोशन मिले। तो ये भी बहुत अच्छी सोच है इस वेबसाइट की कि आपको वो शुरू में थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हो, लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट बना के शेयर खुद करना पड़ेगा, प्रमोशंस खुद करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप अर्निंग कर सकते हो। बाकी सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है, इंप्रेसिव है और इंडियन साइट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, थोड़े साइट ग्रो होगी तो हो सकता है ऑटोमेटिक आपको ऑर्गेनिक चीज़ें भी देखने को मिले, ऑर्गेनिक ग्रोथ इसकी होगी तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी देखने को मिलेंगी, वो भी आपको आगे चल के फायदा हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा, मैंने बहुत ही प्रेम से बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश की है, एक अच्छी वैल्यू एडेड वीडियो आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर आप बताइएगा कमेंट करके, शेयर जरूर करें अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आप और हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।